की मुलाकात कराते हैं लखनऊ के मशहूर समाज सेवी टी पी हवेलिया जी से और जानते हैं उनके विचार कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान में जो स्थिति बनी हुई है उसके विषय में उनके क्या विचार हैं। वायरस पे अभी आपने पूछा कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या बनी हुई है, ये कोरोना वायरस आज देश की सबसे बड़ी समस्या के रूप में आया हुआ है, जिसमें आम आदमी से लेके मजदूर तबका, मिडिल क्लास और सभी वर्गों के लोग अत्यधिक परेशान हैं। और इस बीमारी का जो हिंदुस्तान में रेट है, ये विदेशी जो विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा यहाँ अभी कम है। सर, जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा की, जिससे कि हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा कुछ कोरोना वायरस का कम असर हुआ? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना पे जो लॉकडाउन की घोषणा की, उससे पहले एक दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा की, वो सही समय तो था। और अच्छा होता यदि इसको हफ्ता 10 दिन पहले करते, या विदेशों से जो फ्लाइट आ रही थी वो जिनको बाद में क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उनके पैसेंजर्स को भेजा गया, वो अगर 15 दिन पहले ले लिया गया होता कदम, तो कोरोना इतना भी ना, यहाँ पे जो महामारी कोरोना से फैली है वो इतनी भी ना फैलती। थोड़ा सा लेट मैं कहूँगा ये हुआ, लेकिन राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने इस पे जो भी स्टेप लिए हैं वो सराहनीय है, वो किसी भी अन्य सरकारों में शायद ना हो पाते। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारे देश की जनता भी जानना चाहती है कि आजकल मरकज़ को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये मरकज़ वाला कांड ना होता तो शायद हिंदुस्तान में कोरोना इतनी महामारी के रूप में ना फैलता। तो आपका क्या कहना है, कोरोना क्या जो इतनी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है, क्या इसमें मरकज़ का भी कुछ योगदान है? बहुत सही प्रश्न आपने किया। मरकज़ जो निजामुद्दीन मरकज़ में जमाती लोग इकट्ठा हुए थे, वो हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि विश्व के 14-15 मुल्कों में गए हैं, क्योंकि ये एक विश्वव्यापी संगठन है। लेकिन यहाँ पर जो भी आजकल पकड़े जा रहे हैं लोग, वो किसी भी वर्ग के हों, सीधे उन पर एक आरोप ये लगा दिया जाता कि फलां इलाके में इतने जमाती पकड़े गए। तो मेरी सरकार से, आप लोगों के सबके माध्यम से ये गुजारिश है कि इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाइए। अगर जमात के हों उनकी तलाशी ही नहीं, पूरी जमा तलाशी लीजिए। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वे जहाँ छुपे हों उनसे भी यही आग्रह है। ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कोई शर्मिंदगी हो, जैसे HIV वगैरह जैसी बीमारियाँ होती हैं तो उसमें थोड़ा आदमी शर्मिंदा होता है कि ये कहाँ से लाए, कहाँ से हो गई। ये तो संक्रमण की बीमारी है। हम यहाँ अपने घर के आगे किसी ठेले से, किसी भी व्यक्ति से कोई सामान लें, ऑनलाइन लें, जनरल मर्चेंट की दुकान से लें, किराने की दुकान से लें, कहीं भी संक्रमण इसका आ सकता है। तो इस तरीके से मैं ये नहीं समझता हूँ कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उसमें पुलिस से लेके प्रशासन का अभी तक यही है कि जमाती पकड़े गए। तो इसको एक हिंदू मुस्लिम का सा रूप दिया जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत और दिलों में नफरत की भावना पैदा हो रही है। सीधे ही जमाती नहीं कहना चाहिए। हाँ, मरकज़ से निश्चित रूप से काफ़ी जमाती निकले हैं जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। यदि ये ना होते तो शायद इसमें कुछ सुधार रहता। सर, आज कोरोना वायरस पर जगह जगह हमले हो रहे हैं, जबकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं कोरोना से, और इसके बाद भी जगह जगह डॉक्टरों पर, पुलिस कर्मियों पर, सफाई कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? ये कोरोना वायरस पे जो हमले हो रहे हैं, डॉक्टर पे, पुलिस बल पे, सफाई कर्मचारियों पे,
ये उनको कोई अरेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, मारने पीटने नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जान खुद हथेली पे लेके उनके घरों तक जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। इनको बेवजह नाहक मारना पीटना, इनके साथ दुर्व्यवहार करना, ईंटें पत्थरों से मारना, दरवाजे से चहलियों से ये लोग अपनी जान बचा बचा के निकल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस इलाके में ऐसा हो रहा है उसमें ये उस मोहल्ले में जाने से दोबारा परहेज करेंगे। पहले डॉक्टर स्वयं जा रहे थे, अब अगर कोई बीमार है तो उनको पुलिस बल चाहिए। इस तरीके की घटनाएं जो किए हैं वो बहुत निंदनीय हैं, बहुत अप्रिय हैं, बहुत भर्त्सना करने योग्य हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये जो लोग भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के मशहूर समाज सेवी टीपी हवेलिया जी, जिन्होंने अपने कीमती समय में से निकाल कर कुछ समय हमको दिया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने अपने विचार जनता के समक्ष रखे। और मुझे जनता से भी यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि वे आपके इन विचारों का पालन करेंगे और कोरोना के इस महामारी के समय पूरा साथ देंगे और देश के साथ साथ अपनी सुरक्षा करेंगे और देशवासियों की सुरक्षा करेंगे।